हेलो जी, तो आज शॉपिंग करने के लिए हम चल रहे हैं डिकैथलॉन देहरादून में। और यार मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम जो है ट्रैवल ब्लॉगर से शॉपिंग ब्लॉगर बन गए हैं। वैसे शॉपिंग ब्लॉगर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बट फिर भी जो है ना मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए जो है ना एक बहुत ही बढ़िया जो ट्रैवल सीरीज है वो लेके आने वाला हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है, और वो मैंने प्लान कर लिया और उसी के लिए जो है ना शॉपिंग करने के लिए आज हम चल रहे हैं डिकैथलॉन देहरादून। गूगल मैप लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो डिकैथलॉन है वो देहरादून के रिस्पना जो फ्लाईओवर है उसके राइट हैंड साइड में आपको जो है, जैसे रिस्पना से आईसीटी की तरफ जाओगे तो आपको जो है राइट हैंड साइड पे बड़ी सी बिल्डिंग है वो आपको दिखाई देगी। तो यार ये फाइनली जो है हम पहुँच चुके हैं डिकैथलॉन में, और ये रहा हमारे सामने डिकैथलॉन। और यहाँ पे जाके जो है अब आपको बताएंगे कि क्या क्या सामान अंदर मिलता है। वैसे तो खैर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बाहर पे ही मेंशन करी हुई हैं। सबसे पहले तो मुझे टेंट दिख रहा है भाई, और टेंट के यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं। पहले अंदर चलते हैं, तो पहले जो है अंदर चलते हैं और पहले अंदर को दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको टेंट वगैरह के सीन कि क्या क्या टेंट कितने के मिलते हैं। देहरादून वाला डिकैथलॉन है, यहाँ पे जो है दो फ्लोर हैं, और जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें तो ज़्यादातर मतलब स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो सेकंड फ्लोर पे ऊपर वाले में। और यहाँ पे जो है ना ये है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम है भाई। ये देखो फुटबॉल वगैरह 299 से स्टार्ट हो जाती हैं। ये वाली भी सही यार, ये तो शायद महंगी हुई है ना। और ये देखो फुटबॉल ये हैं, बाकी यहाँ पे और शूज़ वगैरह हैं, फुटबॉल के शूज़ हैं सारे, फिर बाकी और स्पोर्ट्स के भी हैं भाई। अच्छा प्रॉपर किट है ना। और यहाँ पे जर्सीज वगैरह हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन तो बहुत सही है यार। अच्छा ये बच्चों के लिए भाई हैं बॉल, तो यार मेरा मन कर रहा है अगर बॉल ले लूँ मैं, ये कुछ काम आएंगी क्या बच्चों के साथ? आइए घर में खेलने के लिए। घर में तो खेलना ही नहीं है भाई, घर में तो सब तो खेल लिया, वहाँ पर तो सारे टूट जाएंगे कांच कांच। और डिकैथलॉन में जो सबसे ज़्यादा बिकता है भाई वो है इसका ये वाटर बॉटल, और ये है इसकी 99 रुपीज़ की। सिपर 99 का ही लगाओ, वैसे तो 199 लिखा हुआ है इसमें, ठीक लगा लो। और ये जो है ठीक ठीक लगा के आपको पड़ेगी 99 रुपीज़ की। और बॉल वगैरह ये तो नॉर्मल बॉल ही है 99। और साइकिल वाला सेक्शन भी जो है ना ये ऊपर की तरफ ही है भाई, 1 लाख वाले का है। अच्छा अभी ये 99 की है क्या? 10,000 की तो सही यार। अच्छा और इसके पीछे 1 लाख वाली साइकिल भी, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ पे सही है, वैसे सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ पे रेट वगैरह जो है ना सारी चीज़ें बाहर ही मेंशन करी हुई हैं। और ये 24,000 की है, ये भी 24 की है, और यहाँ पर काफ़ी सारी लगी भाई। और ये सारी एसेसरीज हेलमेट वगैरह हैं, जहाँ पे दो की नहीं है ऊपर देखना है 1,99 का, पर इसमें ही लगाओ ना वाली, ये तो सस्ती वाली है। अभी यही है देखना रॉक। अच्छा रॉक अभी सस्ते में और के हाँ। ओ भाई 1 लाख मतलब 2 लाख की साइकिल जो है आपको मिल रही है 40,000 में। चल ले ले चलते भाई, ले चलते इसको, बाद में जो है ना इसको बेच देंगे वापस, 1 लाख में बेचेंगे तो सही। बाकी ये लग रही है कोई प्रीमियम यार, सोने का मान खड़ा हुआ है। हाँ ये होगी यार जो 2 लाख वाली होगी, वो वाली होगी 2 लाख की साइकिल भाई, जो कि अभी सस्ती मिल रही है भाई 40,000 में बस ना। वो अलग है और ये अलग है, नहीं जो बैनर लगा हुआ। हाँ बैनर तो ठीक है, हाँ वाला है वैसे, ये चीज़ तो सही है। एक मुझे भी ले लीजिए भाई, ये बहुत चटकीला फटकीला ना, दूर से दिख जाएगा बंदा। बस के हाथ में झाड़ू चाहिए वाला ही, एक ये ले लेता हूँ झाड़ू उठा के। तो ये था ऊपर वाला फ्लोर, और अब जा रहे हैं हम नीचे वाले फ्लोर पे। और यहाँ पे तो ज़्यादातर कपड़े ही हैं, शूज़ वगैरह है, यहाँ पे सस्ता वाला माल मिल जाएगा।
Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing me so bad. जिसमें जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे जैकेट वगैरह चेक करने के लिए, और इस स्टार्टिंग में ही है, और इस तरफ है भाई खतरनाक वाली जैकेट। तो यार ये वाली जैकेट जो है ना, ये वाली पसंद आई थी, ये है 999 की, पर इसका भी जो है ना जो हल्की इतनी लगती है ना यार, ये हाँ बहुत तो नहीं होगी। और ये वाले जैकेट्स आपने जो है सबके पास देखे होंगे भाई, और इस पे लग रही है सबसे ज़्यादा सेल 999 वाली। बाकी हाँ यार ये वो है नी स्वेट शर्ट बिल्कुल ही वैसे है नी यार, ये चीज़ ना वैसे है तो सही, बट ये बिल्कुल जैसे डल कलर में है, और तो खैर सब कुछ ठीक है, डल है थोड़ा कलर आम। बाकी ये है -5 तक, 5 to 5 तक। ये वाल तो मैंने तेरे पे देखी हुई है, ब्लैक भी देखी हुई है, ब्लैक भी है। तो ये वाली आइटम बड़ी सही लग रही है भाई, इसमें से एक अब चुनना है हमें कलर। ये ज़्यादा सही लग रहा है, कर लेते हैं फिर। तो ये वाला कलर जो है हम फिक्स कर लेते हैं, और ये उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये है भाई सेक्शन जिसके लिए जो है हर कोई आता है यहाँ पे। एक तो ये वाला बैग भाई, ये तो हर किसी के पास दिख जाएगा भाई, 299 वाला, ये यहाँ का नेशनल ये तो ऐसा ही बस सिग्नेचर। और ये है भाई कैंपिंग का सामान, टेंट वगैरह ले लो, ये ले लो, वो ले लो भाई। ये वाले ना मैंने बहुत सारे कैंप में भी गया था ना, जैसे मैं कैंपिंग वगैरह में गया था, ऐसे वाले टेबल देते हैं। ये वाले तो नहीं, ये वाले फोल्डेबल रहती है, फोल्डेबल रहती है, घोड़े वगैरह के ऊपर बिठाते हैं, कैंपिंग वगैरह में रहती है। बैग वगैरह भी है भाई, बढ़िया बैग। ये देखो भाई ट्रैक की सारी डिटेल्स भी दे रखी हैं। देख चंद्रशिला वाला मैंने नहीं करा, बेस कैंप नहीं करा, केदार ताल कहाँ है भाई, ये भी पता नहीं, बेस कुंड भी नहीं करा, कश्मीर भी नहीं करा, हिमताल भी नहीं करा, ब्रह्मताल भी नहीं करा, हरकितुन भी नहीं करा, केदार घंटा मैंने करा हुआ, चादर ट्रैक करना है भाई मुझे, तो इनमें से सिर्फ एक ट्रैक करा हुआ मैंने। तो यार जैसे आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे जो है बहुत अच्छा जो है रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना मैं एक ये वाला टेंट ले लूँगा, और यहाँ पे जो है ना फिर करेंगे हम सोलो कैंपिंग। अगर आप देखना चाहते ये क्या था, ये क्या हो रहा है डिगा तलों में। और ये टेंट है भाई, इनके इसके प्राइस वगैरह यहाँ पे नहीं है शायद, ये मेंशन है देखो प्राइस वगैरह यहाँ पे ये सारी मेंशन करे हुए हैं। तो ये जो है 5000 से स्टार्ट है शायद, 5 क्यों, अबे ये तो 2500 से स्टार्ट है यार, फिर तो ये ले सकते हैं हम कोई भी, ज़्यादातर लोग। अब जैसे ही जो है मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज तो खैर हो चुका है, जैसे मेरी फर्स्ट पेमेंट आती है तो एक टेंट यहाँ से उठा लेते हैं। ये देखो गाइस टेंट के अंदर जो है ना इंसान ही कैंपिंग नहीं करते हैं, ये देखो ये अपने कमरे में, ये कपल जो है ना पता है कहाँ से आ रखा है दोस्तों, ये कपल जो है पूरा जो है बहुत दूर यहाँ रिस्पना पुल से आया है, ओ भाई उसको उठा रहा भाई। तो यार फाइनली जो है हमने शॉपिंग वगैरह कर ली है, और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने देखी ना यार अच्छे अच्छे जैकेट हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं भाई। और ये अपना थैला भर गया है, इसमें से जो है बस सामान कम ही है, मतलब हमारा जो बढ़िया जैकेट वगैरह थी एक दो ही लिए हमने, बाकी सामान तो बढ़िया मिलता है भाई यहाँ पे। एक चीज़ तो है क्वालिटी बहुत सही मिलती है, और जो इसके जो डिकैथलॉन के अपने ब्रांड है वो तो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे जो है ना यार जो विंड चीटर वगैरह रहते हैं, आधा से ज़्यादा सामान आपको जो है ना ऐसे जब उठाओगे आप तो बहुत ज़्यादा हल्का दिखता है, बट हल्का जो है वो क्वालिटी उसकी बहुत बढ़िया रहती है, लगता हल्का है। और बाकी हम मेरा तो खैर पहली बार ही था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर चेकआउट करी हैं, बाकी जैसे ही जो है हमारा रेवेन्यू बढ़ता है तो यहाँ से बहुत सारा सामान हम लेने वाले, और इसका व्लॉग भी आपको जो है देखने को मिलने वाला है भाई। बाकी यार यहाँ पे जो है ना पार्किंग वगैरह की बढ़िया सुविधा है, पार्किंग आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छी पार्किंग मिल जाती है। और ये है इसका ग्राउंड फ्लोर, नहीं ये ग्राउंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे ही है, ऊपर ज़्यादातर जो है फुटबॉल है उसके, जैसे जैसे मैंने आपको दिखा वो डिटेल्स थी। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।